मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीती रात करीब 150 यात्री फंसे रह गए। यात्रियों का आरोप है कि रात 8 बजे ही उनकी एयर इंडिया की फ्लाइट थी। सारे यात्री विमान में सवार भी हो गए थे, लेकिन तभी विमान में कुछ समस्या हो गई और लोगों को दोबारा लाकर वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। रात 11:30 बजे तक लोग वेटिंग रूम में ही फंसे रहे। यात्रियों का आरोप है कि ना ही उन्हें ठीक से जानकारी दी जा रही थी और ना ही उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे थे। जिन यात्रियों के छोटे छोटे बच्चे थे वो और भी परेशान हुए। ये फ्लाइट आपको बता दें कि मुंबई से दुबई जा रही थी, रात 8 बजे ये फ्लाइट थी। And you guys will do nothing for us. There is nobody to cater to us. There are small kids right from 6 months to 6 years. And they have done absolutely nothing. They have no plan of action. There is no captain in place. And it's more than 4 hours that we have been waiting in the same aircraft. Either me, 4 baje ghar se nikla ho, aur mujhse ek full refund ki ruko. No, I won't. You can't be so rude to us. Excuse me. You can't be so rude to us. No, no, you are being rude. He is here. He is here. He is here. What are you doing? You are responsible. You are not allowing us to leave. You are such a small baby. Why are you telling us go? मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हुआ बता रही है एक परेशान यात्री जो अपने छोटे बच्चे के साथ एयरपोर्ट पर फंसी रही। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ भी नहीं। और खाना तो खिला दिया, बट दैट ऑल्सो वॉज रियली वी शुड नॉट से बट इट वॉज वेरी बैड फूड। खाना कोई फायदे का नहीं था, मेरे बच्चों ने खाया नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है कि कब तक रुकना पड़ेगा, क्या होगा हमारा, कुछ नहीं। एंड हाँ, इन द फ्लाइट कोई उनका मैनेजर आके बोल के गया कि क्लियर ट्रिप से बुक किया, उनसे रिफंड ले लो, यू मे गो नाउ। दिस इज नॉट द वे, आई मीन एकदम अनप्रोफेशनली उन लोग डील कर रहे हैं। और ये क्या गवर्नमेंट है, आई डोंट नो। आई डोंट थिंक एनी बडी शुड टेक एयर इंडिया फ्लाइट एनी मोर। एटलीस्ट मी, दैट्स इट, आई विल ट्रेवल बाय एनी अदर एयरलाइन बट नॉट एयर इंडिया। तो मुंबई एयरपोर्ट पर यह हंगामा हुआ जहां यात्री कई घंटे तक फंसे रहे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।